नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पामगढ़ व मुलमुला मंडल के बैनर तले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश भाजपा के आह्वान पर आज विधानसभा पामगढ़ के हृदय स्थल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति स्थल पर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव अम्बेश जंगड़े, जिला मंत्री भाजपा धीरेन्द्रनाथ योगी, मुलमुला मंडल के अध्यक्ष उदालिक साहू, संतोष लहरे, अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष जांजगीर, पूर्व मंडल अध्यक्ष दरस राम पटेल, रोहड़ी पटेल, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा सांसद प्रतिनिधि मंजुलता टंडन, मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष संगीता रात्रि, आज मोर्चा मंडल अध्यक्ष गंगाराम टंडन व पुष्कर दिनकर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल, वरिष्ठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे पामगढ़ स्थित बाबा साहब की मूर्ति स्थल पर इकट्ठे हुए। तदुपरांत बाबा साहब के जय घोष, भारतीय संविधान का जयकारा लगाते हुए बाबा साहब पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना पुष्पांजलि अर्पित किया। आगे बाइक रैली के रूप में सभी कार्यकर्ता जनपद कार्यालय स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्थल पर जाकर वहां भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तदुपरांत सभी जनपद कार्यालय से एक विशाल रैली के रूप में ग्राम कुटरा बोर्ड स्थित बाबा साहब के मूर्ति स्थल की ओर आगे बढ़े और वहां पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान की जय घोष और उनके द्वारा भारत को दिए गए उनके योगदान को स्मरण किया गया। साथ ही मल्लखब अखाड़ा में संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे बतौर वक्ता अम्बेश जांकड़े, संतोष लहरे, धीरेन्द्र योगी, रोहिणी कश्यप, साथ ही मंजुलता टंडन ने संबोधित किया। विदित हो कल 13 तारीख को अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जनपद व पामगढ़ स्थित बाबा साहब की मूर्ति परिसर को साफ सफाई कर कैंडल जलाकर रोशन किया गया। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह क्षत्रिय, मनोज घोष, देव लहरे, भीम नायक, तरुण राय, होरीलाल सातोड़े सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।